हेलो दोस्तों, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे चैनल मास्टर आरिफ में। अगर आपने कुंग फू वार्म अप का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख ले। हमने उसमें जो वार्म अप सिखाया है उसका बेनिफिट मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको किस तरीके से साइड टू साइड नेक करना है वो बताया था, उसका बेनिफिट समझ लीजिए। जैसे मैंने ये बताया था, आप इसका फ़ायदा देखिए। अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आपको कैसे गर्दन सिर्फ मोड़ देना है। देखिए, आपने सिर्फ अपने सर को जो टेक्निक आपको सिखाया था कि बेंड कर देना है, साइड कर देना है, उतने में ये देखिए, है ना। देखिए, आपने सिर्फ गर्दन मोड़ दिया था, आप थप्पड़ से बच गए। अब हम जो आपको ये सिखाए थे उसका फायदा देखिए। अगर आपको कोई पंच मारता है, हमारे पंच ये देखिए, उसका फायदा। अब मैंने आपको जो साइड बेंड बताया था, अगर इस पोजीशन में भी अभी अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है या कीक मारता है या पंच मारता है, आप उससे बच सकते हैं। देखिए पंच, ये देखिए, फिर देखिए, ये देखिए। अब आपको मैंने इस तरीके से पलट से सिखाया था, इसका फायदा देखिए। आप किसी चीज को भी छोटा ना समझे। अगर आप किसी भी चीज को छोटी समझ के ट्रेनिंग कम करेंगे तो आप छोटे मास्टर बनेंगे। इसे ट्रेनिंग अच्छे से करें। देखिए, अगर आपको कोई धक्का मारता है, मारे धक्का, ये देखिए, आपने इस टेक्निक को सिर्फ जो पलटना सिखाया था उसमें घूमना आप सीखे, सिर्फ सिर्फ घूमे, तो आप ऐसे ताकतवर इंसान के धक्का से आप बच गए। देखिए, फिर से देखिए, अटैक, ये देखिए। अब इसको हम दूसरे एंगल में लेंगे। जैसे हमने ये पलटे थे तो यहाँ का तो आप समझ गए, यही अगर आपको कोई धक्का मारता है, ये देखिए, पुश करो, ये देखिए, आप सिर्फ पलटते हैं तो आप उसके मार से बच जाते हैं। देखिए, फिर से शुरू, ये देखिए, आपने उसका पावर तोड़ दिया। अगर आप इसको कीक में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये देखिए, जैसे आप ऐसे खड़े हैं, अचानक उसने कीक मार दी और आपके पास ब्लॉक नहीं है तो आप कैसे बचे। जैसे उसने हील कीक मारा, मारो, ये देखिए, ये चीज। अब हम आगे चलते हैं। हमने घुटने को कैसे ओपन क्लोज करना बताया था, इस तरीके से बताया था, 1 2। अब इसका फायदा देखिए, अगर आपको कोई अचानक पकड़ लेता है या पाँव पे पाँव रख देता है तो आप कैसे बचे। देखिए, जैसे आप ऐसे खड़े हैं, इस बंदे ने आपके पाँव पे पाँव रख दिया, ये हाथ पकड़ लिया, ये हाथ पकड़ लिया, अब आप कैसे छूटेंगे, कैसे करेंगे। तो घुटने की ट्रेनिंग कहाँ काम आती है, आप देखिए, ये देखिए, ऐसे, ये देखिए आया। अब इसको दूसरे एंगल से देखिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये पहले ये यहाँ से लिए थे, अब इधर से ये देखिए, ये टच हटा दिए। तो वार्म अप को आप छोटा ना समझे, वार्म अप के हिसाब से आप तभी करेंगे जब आपको उसका बेनिफिट मालूम होगा। तो हमने आपको वार्म अप का कुछ बेनिफिट और फायदे बताए हैं, तो इसको आप पूरी दिलचस्पी से करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, हम कुंग फू की कीक शुरू करने जा रहे हैं।